सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4A, आपको दिख रहा है। सो ये क्वेश्चन पूछा था TVAB सेमिस्टर 6 SAPM सब्जेक्ट में इन द एग्जाम ऑफ अप्रैल 2019। ठीक है, सो क्विकली ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा जाए तो लेंदी क्वेश्चन है बट ईजी है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। द रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर सिक्योरिटी एक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर 10 पीरियड्स आर गिवन बिलो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन। पीरियड लिखा है 1 to 10, 10 साल का। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स इन परसेंटेज ये भी दिया हुआ है एंड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रीड करके कुछ मतलब नहीं है, सॉल्व करते वक्त देखेंगे। सबसे पहला क्या बोला है, व्हाट इज बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स, तो ये आप लोग कैलकुलेट करोगे बीटा फैक्टर। सेकेंड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी एक्स बाय यूजिंग CAPM, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो लेट सी। सबसे पहले बीटा कैलकुलेट करते हैं एंड अगेन इसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं जो आपको बाय हर्ट करने पड़ेंगे, वी हैव नो ऑप्शन। ठीक है, चलो लेट सी। सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला लिखा है मैंने 4A, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स। ठीक है, साइड बाय साइड आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हो। सो उसके लिए एक टेबल बनाना होगा, प्रैक्टिस करोगे टेबल आप लोग बना पाओगे। इजी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, चलो लेट सी। सबसे पहले क्या बोला है, ईयर। ठीक है, तो ईयर मैंने सब लिखा जो यहाँ पे लिखा था 1 to 10। उसके बाद आर एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय आर एक्स, जो एक्स सिक्योरिटी दिया है उसका रिटर्न। सो ये सभी रिटर्न लिखा है, इतना तो आप लोग कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, 15 में से 5-10 मार्क भी मिल जाएगा तो बड़ी बात है। ठीक है, सो ये सब लिखा हम लोगों ने, इसका टोटल किया 150। माइनस जो दिख रहा है वो माइनस करना है, ये ध्यान में रखना, याद से वो माइनस भी प्लस करके मत आ जाना। ठीक है, उसके बाद RM मार्केट पोर्टफोलियो ये सभी लिखा, अगेन एक माइनस है वो माइनस किया, बाकी सब ऐड किया, टोटल आता है 120। ओके, इसको बोलते हैं सम ऑफ RX और इसको बोलते हैं सम ऑफ RM, मतलब टोटल। बाजू में लिखा है RX माइनस आर बार एक्स एंड RM माइनस आर बार एम। अभी ये किधर से निकाला, सिंपल है, नीचे लिखा है देखो, आर बार एक्स का मतलब होता है आर एक्स का एवरेज एंड हाउ टू फाइंड आउट एवरेज, टोटल आपको पता है कितना है 150 और ये कितने साल का डेटा है 10 साल का। सो 150 डिवाइड बाय 10 किया कितना आएगा 15। सो दिस इज योर आर बार एक्स एवरेज। वैसे ही आर बार एम ढूंढा, आर एम सम ऑफ आर एम 120 डिवाइड बाय कितना है नंबर 10। सो 120 डिवाइड बाय 10, आर बार एम कितना आएगा 12। ठीक है, तो उस हिसाब से अगला टेबल हम लोग देखते हैं कैसे आया। अभी देखो ध्यान से, वेरी इजी। आर एक्स कितना है 20, आर बार एक्स 20 में से 15 माइनस किया कितना आएगा 5, 22 में से 15 माइनस किया 7, 25 में से 15 माइनस किया 10, 21 में से 15 माइनस किया 6, 18 में से 15 माइनस किया 3। अभी माइनस 5 है, कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। माइनस 5 ओके बराबर माइनस 15। सो यहाँ पे देखने का माइनस 5 कैसे आता है 5, तो इसको ये बटन दबाओगे माइनस साइन आ जाएगा। फिर से देखो 5 बटन दबाया माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 15 तो कितना आता है माइनस 20, आपको प्रैक्टिकली बताया मैंने करके। सो माइनस 20 या फिर कॉमन सेंस माइनस 5 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 20 और माइनस का सिंबल आएगा। आगे 17 है, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 15 4, अगेन माइनस 7 है। ठीक है, सो ये कैसे किया 7 माइनस माइनस 15, सो माइनस 22 इट इज। ठीक है, सो वो मैंने लिखा माइनस 22, अगेन 20 माइनस 15 5। सो आई होप ये कॉलम आप लोग इतना तो कर सकते हो एटलीस्ट, TY में आ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट आर एम कैसे ढूंढोगे, अगेन आर एम माइनस आर बार एम। आर एम कितना है 22, माइनस कितना 12, आर बार एम 10, 20 माइनस 12 8, 18 माइनस 12 6, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 12 8, 8 माइनस 12 माइनस 4, अभी निगेटिव आएगा, 8 में से 12 गया माइनस 4, माइनस 6 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस और माइनस का सिंबल माइनस 18, 5 माइनस 12 माइनस 7, 6 माइनस 12 माइनस 6, 11 माइनस 12 माइनस 1, तो ये इतना और ये इतना तो आप लोग एटलीस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या कैलकुलेशन है, आर एक्स माइनस आर बार एक्स इंटू आर एम माइनस आर बार एम।
मतलब क्या करने का, सपोज मैंने इसको नंबरिंग किया, ये 1, 2, 3 और ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5, तो ये 6 है ना, 6 में क्या करना है आपको, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये मैंने किया 4 इंटू 5, 5 इंटू 10 50, 7 8 ज़ा 56, 10 6 ज़ा 60, 6 4 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, अभी ये -20 -4 है, 24 ज़ा 80, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 18 36, और माइनस का सिंबल एक ही है ना तो माइनस आएगा, 2 माइनस है तो प्लस होता है, 4 इंटू 7 28 और सिंबल आएगा माइनस, 22 इंटू 6 132 माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू -1 ओके, तो ये -5 आना चाहिए, ठीक है, 5 इंटू -1 -5, मैं सिंबल देना भूल गया, ठीक है। अभी इन सब का टोटल करना है सिंपल, जो पॉजिटिव है उसको ऐड करो और जो नेगेटिव है उसको माइनस करो, सो यू विल गेट टोटल दैट इज़ 357। अगला RM माइनस आर बार एम का स्क्वायर, ओके, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना 5 नंबर, ओके, सो नंबर 7 में क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर करना है, ओके, पॉइंट नंबर 5 का स्क्वायर। अभी 100 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 का 36, 4 का 16, 8 का 64, -4 का -4 × -4 +16 आएगा, 18 का अगेन माइनस है तो सिंबल डजंट मैटर, माइनस माइनस प्लस, सो 18 का 324, 7 का 49, 6 का 36, 1 का 1, सो कीप दैट इन माइंड, स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसका टोटल आया 706। अभी ये क्यों निकाला, फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है इसके लिए, ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन फॉर बीटा कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट किया, बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है को वेरियंस ऑफ आरएक्स माइनस आरएम डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एम, ठीक है, सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। सो नाउ सम ऑफ, अभी कोवेरियंस कैसे मिलता है वो यहाँ पे लिखा है, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है शॉर्टकट में ये, और ये थोड़ा डिटेल में, सम ऑफ आर एक्स माइनस आर बार एक्स इंटू आर एम माइनस आर बार एम डिवाइड बाय एन माइनस वन, सो ये आप लोगों ने ऑलरेडी ढूंढा है यहाँ पे, आर एक्स माइनस आर बार एक्स इंटू आर एम माइनस आर बार एम, उसका सम मतलब टोटल कितना आएगा, 357, तो इसका टोटल आता है 357 डिवाइड बाय एन माइनस वन, एन कितना है 10, ऑब्जर्वेशन, माइनस वन कितना आएगा 9, तो यहाँ पे मैंने लिखा 357 डिवाइड बाय 9। अगला सम ऑफ आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन, अभी आपने एक कॉलम बनाया था आर एम माइनस आर बार एम का स्क्वायर, उसका सम मतलब उसका टोटल 706, ओके, अगेन डिवाइड बाय एन माइनस वन, एन इज 10 माइनस 1 9, सो 357 डिवाइड बाय 9 अपॉन 706 डिवाइड बाय 9, तो इसको सॉल्व किया 39.67 ऊपर वाला आता है, नीचे वाला आता है 78.44, ओके, तो और डिटेल में सॉल्व करोगे इसको, इससे डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट बीटा का अमाउंट दैट इज 0.51, तो ये होगा आपका बीटा। क्या किया, सिंपल है, ये टेबल बनाया, ये टेबल बनाना भी 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स इजी है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 5वें का स्क्वायर, ओके, ये कैसे निकाला आपको पता है, ये फॉर्मूला खाली आपको बाय हार्ट करना होगा, नो ऑप्शन, ठीक है, 10 बार लिखो याद हो जाएगा, ओके, बाद में कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट बीटा। सो यहाँ पे जो बोला था 15 मार्क्स का, इसमें से मुझे लगता है अगर ये 15 मार्क्स के लिए आया तो इसमें से ऊपर वाले पॉइंट को 10 मार्क है, नीचे वाले पॉइंट को 5 मार्क्स पकड़ के चलो, ठीक है, चलो लेट्स सी क्विकली सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अभी ये सेकेंड पॉइंट है वो फार्मूला बेस्ड है, अगेन वो फार्मूला मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो जो जैसा कैलकुलेशन है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन। उसने क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी एक्स बाय यूजिंग CAPM, ओके, चलो ये कैलकुलेशन करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी एक्स यूजिंग CAPM, सो एक वाई और एक्स हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, अपना वाई क्या है आर बार एक्स, सो दैट इज 15, एंड एक्स क्या है आर बार एम दैट इज 12, 15 एंड 12, अभी ये 15 एंड 12 कहाँ से आया,
वो हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा है, ठीक है। दिस इज योर वाई 15 एंड दिस इज योर एक्स 12, ठीक है। चलो आगे, एक फॉर्मूला लिखा है वाई इज इक्वल टू अल्फा, ओके, दिस इज अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके, वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। सो वाई कितना अपना 15 इज इक्वल टू अल्फा पता नहीं है प्लस बीटा इज 0.51 प्रीवियसली कैलकुलेट किया था इंटू एक्स कितना है 12। अभी आगे इसको सॉल्व किया, 15 इज इक्वल टू अल्फा प्लस मल्टीप्लाई करके आता है 6.12। अभी ये अल्फा एक साइड में आएगा, 15 में से 6.12 उधर गया, माइनस होगा, सो 15 में से 6.12 माइनस किया, अल्फा का वैल्यू आता है 8.88%। ओके आगे, देयरफोर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन फॉर सिक्योरिटी एज पर CAPM एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज 0.88 प्लस 0.51 दैट इज योर बीटा आर एम, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये कैसे आया, फॉर्मेट कैसे आया, सो वी कांट एक्सप्लेन, सो आपको खाली समझाने का मैंने काम किया, कैसे कैलकुलेशन करोगे और कैसे लिखोगे। देर आर चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन इस साल भी आ जाए फॉर 15 मार्क्स, तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, वो तो आप लोग कर ही सकते हो, ये बाय हेड करके रट्टा मार के तो लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, सो दिस वाज योर पार्ट वन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, वेरी इजी, एंड दिस इज पार्ट टू। अच्छे से रिवाइज करना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियोस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड फॉलो करते रहो बागवेसर्स रणदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।